देश की ऑटो इंडस्ट्री में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। इस मंदी की वजह से कारों की बिक्री में लगातार गिरावट जारी है। वहीं मारुति सुजुकी जैसी दिग्गज ऑटो कंपनियां प्रोडक्शन में कटौती कर रही है, लेकिन इस मंदी के उलट लग्जरी कार बनाने वाले जर्मनी की कंपनी मर्सिडीज बेंज की डिमांड बढ़ गई है। दरअसल मर्सिडीज बेंज ने दशहरे के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में 200 से अधिक कारों की डिलीवरी की है। आपको बता दें कि मंगलवार यानी 8 अक्टूबर को दशहरा था। इस मौके पर लोग कार खरीदना शुभ मानते हैं। मर्सिडीज बेंज की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दशहरे के मौके पर गुजरात और मुंबई में सबसे अधिक कारों की डिमांड रही। सिर्फ मुंबई में मर्सिडीज बेंज की 125 से अधिक कारों की डिलीवरी की गई, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। वहीं गुजरात में कंपनी की 74 कारों की डिलीवरी की गई है। मर्सिडीज बेंज की खुशखबरी ऐसे समय में आई जब हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लकटकिया कार नैनो की बिक्री के बारे में जानकारी दी है। हाल ही में टाटा मोटर्स की ओर से जारी बयान में कहा गया कि साल 2019 में सिर्फ एक नैनो कार की बिक्री हुई है। वहीं कंपनी ने नैनो का प्रोडक्शन भी बंद कर दिया है। आपको बता दें कि नैनो कार मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर मार्केट में उतारी गई थी। टाटा मोटर्स की ओर से शुरुआती दिनों में ये कहा गया था कि मध्यम वर्ग के लोग नैनो के जरिए कार के सपने को पूरा कर सकेंगे। आपको बता दें कि बीते 10 महीनों से ऑटो इंडस्ट्री में मंदी का दौर चल रहा है। बिक्री कम होने की वजह से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और महिंद्रा जैसी बड़ी ऑटो कंपनियों ने प्रोडक्शन में कटौती की है। वहीं कुछ कंपनियों को प्लांट तक बंद करना पड़ा है। लेकिन मर्सिडीज की यह खबर ऑटो इंडस्ट्री की इस मंदी को मुंह चिढ़ा रही है।